the topic is classification of food on the basis of its function. भोजन का वर्गीकरण किसके बेस पे? उसके फंक्शंस के बेस पे. सो फूड कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड एंड सेकंड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड. फूड को तीन काइंड्स में दिया गया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. तो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड. क्या होता है? द फूड्स व्हिच गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जो भोजन हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, उसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड. एंड दीज फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स रिच फूड लाइक राइस, ब्रेड, व्हीट, घी, बटर, मिल्क इत्यादि. मींस ये जो भोजन होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि राइस में, ब्रेड में, व्हीट में, घी में, बटर में एंड मिल्क में. एंड नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? द फूड्स विच हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग बाय मेकिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग टिश्यूज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. वो फूड जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने, हमारी बॉडी को अच्छे से बनाने में, न्यू सेल्स को प्रिपेयर करने में एंड रिपेयरिंग टिश्यू, तो जो भी टिश्यूज हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का जो काम करते हैं, जिस फूड से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है और न्यू सेल्स जनरेट होते हैं और टिश्यूज जो होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, ऐसे फूड को कहते हैं हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड. जैसे कि प्रोटीन रिच फूड होता है, इसमें फिशेस, मछली, एग, मिल्क, पल्सेस, चीज इत्यादि. एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड. द फूड विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. वो भोजन जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, ऐसे फूड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. एंड दे इंक्लूड एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स. और इनमें आवश्यक विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में, एग में, मिल्क में, फिश में एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है? संतुलित आहार. क्या होता है? द फूड विच ए पर्सन टेक्स इज कॉल्ड अ डाइट. जो भोजन एक व्यक्ति खाता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइट, आहार कहते हैं जिसको. एंड ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और वो डाइट जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, ऐसे डाइट को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट. एनर्जी गिविंग फूड. और इसमें एनर्जी गिविंग फूड भी होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है, प्रोटेक्टिव फूड भी होता है. तीनों फूड होते हैं बैलेंस डाइट में. रफेज भी होते हैं, बटर भी होता है. ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ. सभी जो आवश्यक तत्व है वाटर रफेज है, इन सभी को हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है. किसके लिए? अच्छी हेल्थ के लिए और प्रॉपर फंक्शन के लिए. ए बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन. एक जो संतुलित आहार होता है वो सभी के लिए सेम नहीं होता है. इट डिपेंड ऑन एज. ये एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज. और काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति कितना काम करता है. जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको अलग टाइप से उसकी डाइट अलग होगी, और जो कम काम करेगा उसकी डाइट अलग होगी. और जैसे छोटा बच्चा है उसकी डाइट कम होगी, जिसकी एज ज़्यादा है उसकी डाइट ज़्यादा होगी. इसीलिए जो बैलेंस डाइट है वो सभी के लिए सेम नहीं होती है, वो एज और वर्क के ऊपर डिपेंड करती है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स. क्या होते हैं? लैक ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज एबनॉर्मलिटीज एंड डिजीज. किसी भी पोषक तत्व की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज. और इसी को कहते हैं हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द लैक ऑफ प्रोटीन इन फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड स्वेलिंग ऑफ फेस. अगर क्या हो, हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे भोजन में, तो एक लंबे समय तक अगर हमें प्रोटीन ना मिले तो क्या होगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारा जो फेस है वो स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा. एंड डिसकलरिंग ऑफ हेयर. और जो हेयर है वो कैसे हो जाएंगे? डिसकलर हो जाएंगे, स्किन डिजीज हो जाएगी एंड डायरिया भी हो जाएगा. द डिजीज कॉज्ड इज पॉइजन.
फूड एंड कुछ भी खाना